आज के वीडियो की शुरुआत हम इस स्पाइडर प्लांट की खूबसूरती को देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें चर्चा करनी है इसी प्लांट के बारे में कि कैसी मिट्टी, कैसी धूप, कैसा पानी इसे चाहिए और किस तरह से हम आसानी से इसे लगा सकते हैं। मैं सरिता, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इसे दो तीन चीज़ों की मैं सिफारिश हमेशा करती हूँ कि किसी के प्लांट के बारे में अगर हम ये जान जाते हैं, देखिए इसके रूट्स हैं, किसी भी प्लांट के बारे में अगर हम जान जाते हैं कि इसे कितनी धूप चाहिए, कैसा पानी चाहिए और कैसी मील यानी मिट्टी कैसी तैयार करनी है, तो उस प्लांट को हम लगा सकते हैं और उसकी देखभाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस खूबसूरत प्लांट के लिए हम मील तैयार करते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें जो मील तैयार करना है वो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा हैंगिंग में या बास्केट में ही खूबसूरत लगता है। तो उसके लिए हमें कोकोपीट लेना है और वर्मी कंपोस्ट। अगर ये दो चीज़ भी आप लेंगे ना तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ये देख रहे हैं, ये इसके रूट्स में आपको बार बार दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी के मेथड से लगाना इसको बहुत आसान होता है। तो हमने तो मील तैयार कर लिया, अब इसे पानी कितना देना है लगाने के बाद, जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए इसकी मिट्टी, क्योंकि कोकोपीट होता है तो जल्दी ड्राई हो जाता है। तो हमें उसमें पानी हर रोज़ अब गर्मियों में डालना है। मज़े की बात है कि ये देखिए, इसके फूल भी इसमें खिलते हैं और ये वाला जो सीज़न चल रहा है बसंत के दिनों में, ये बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और इसे लगा करके इसका सर्वाइवल रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दो चीज़ों पे हमने बात कर ली, तीसरा लगाने के पहले मेथड में हम बात कर लेते हैं कि देखिए, जब हम ये प्लांट लगाते हैं ना तो इसे अपने आप पप्स निकलते रहते हैं और उस पप्स को हम डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो दो चीज़ें बात हो गई, मील कैसा तैयार करना है, हमने पानी कितना डालना है, अब इसे रखना कहाँ है। जहाँ भी रखना है बिल्कुल डायरेक्ट सन में इसे नहीं रखना है, इसे शेडेड ब्राइट लाइट में रखना है और पानी डालना है। अब चलिए हम कैसे क्या लगाना है मेथड उस पर बात कर लेते हैं। इस तरह से जो रनर्स होते हैं उसमें से आप सॉफ्टली निकालिए प्लांट को, बहुत आसानी से निकल आता है रनर में जो ये पप्स लगे हुए होते हैं। उसके बाद उसको निकालने के बाद जो नीचे ड्राई इसके लीफ होते हैं उसको बहुत ही प्यार से सॉफ्टली इसे क्लीन कर दीजिए, ताकि जो इसके रूट्स हैं ना, जो पप्स निकले हुए हैं रनर में पप्स जो होते हैं, वो आपको दिखाई देने लग जाए क्लीन। ये देखिए, मैंने क्लीन कर लिया। अब ये इसमें तीन प्लांट मुझे दिख रहे हैं, मैं चाहूँ तो इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ, बट नहीं, मैं इसे एज यूजुअल ऐसे ही जो है मिट्टी में इंसर्ट कर दूंगी। अब जो हमने मील तैयार किया है लाइट वेट हैंगिंग के लिए, उसमें आप इस पप्स को रखिए और ऐसे आप दो उंगली से, एक उंगली से अंदर की तरफ पुश कर दीजिए। उसके बाद साइड से उसमें उसके ऊपर जो है कोकोपीट वाली जो मील है उसको डाल के और पिंच करके थोड़ा सा नीचे और उसे स्थिर कर दीजिए प्लांट को। कंफर्म कर लीजिए कि आपका प्लांट जो है मिट्टी में बिल्कुल स्थिर हो गया। आप देखेंगे कि 10-15 दिन में इसमें बहुत अच्छे से रूट्स और लीफ भी नए निकल आएंगे। तो दो मेथड पे हमने बात कर लिया, एक डिवाइड करके, दूसरा इस तरह से पप्स को अलग करके रनर से, और तीसरा जो है इसे आप एयर लेयरिंग भी कह सकते हैं। जैसे बगल में आप इस तरह से एक प्लांट रखिए जिसमें मील तैयार करके आपने डाला है, और इस तरह से रनर को उठाइए और रनर के नीचे जो रूट्स वाले के पोर्शन आपको दिखाई देते हैं, बस यूं ही आप चाहें तो रख सकते हैं और साइड से मिट्टी लगा सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा और पुश कर देंगे तो और ज़्यादा आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्लांट आपका लगेगा। अब हमने इसे रनर को, आप देख रहे हैं, इसे मैंने कट नहीं किया है पहले वाले प्लांट से, इस रनर को मैंने रहने दिया है। मैक्सिमम एक वीक में आप जो मिट्टी है नीचे का जो मील है वो जज्ब हो जाएगा, तो आप इस रनर को ऐसे कट कर दीजिएगा, आपका अलग से एक प्लांट तैयार हो जाएगा। इसी मेथड से मैंने जितने भी प्लांट्स अभी आप देख रहे हैं इसे मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्लांट की खूबसूरती आपको देखते बनती है। मैंने ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे मैंने अपने बेडरूम के साइड टेबल पर रखा है, और वहाँ बहुत अच्छे से विंडो है, वहाँ पे हल्की धूप विंडो से छन के आती है और बहुत ही अच्छे से ये प्लांट मेरा यहाँ पे सरवाइव कर रहा है। एक प्लांट मेरे ही कमरे में के खिड़की के पास ही एक कबर्ड रखा है, उसके ऊपर रखा है, वो भी जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था वो चल रहा है। तो बहुत आसान है इस प्लांट को लगाना, आप भी लगाइए। और मैं सोचती हूँ कि आज आपको मेरा ये वीडियो, ये सब्जेक्ट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए, प्लीज़, यहाँ तक आ गए हैं तो। फिर मिलते हैं, नमस्कार।